नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महावीर कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पावरफुल टाइल्स मिस्त्री। तो दोस्तों, मैंने एक फ्लैट रेडी किया है, तो देख रहे हो इसका जो लुक है एंटर करने के साथ साथ। तो मैंने 2x2 का विट्रीफाइड टाइल्स डबल चार्ज का लगाया हूँ, और जो ये बाहर का पर्सन है ब्रांडा हॉल के हिसाब से, तो स्केटिंग मैंने दिया हूँ GVT ब्लैक। तो ये देख रहे हो पूजा रूम है दोस्तों। तो पूजा रूम में क्या लुक है आप देख रहे हो, बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव लग रहा है। वॉल टाइल्स को ही मैं बेदी में बनाया हूँ, और नीचे जो फर्श का टाइल्स है एक ही है। तो देख रहे हो, और GVT ब्लैक जो स्कटिंग कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये छोटा मोटा डिजाइन में बनाया हूँ दोस्तों, ये डब्बी के अनुसार। तो देख रहे हो डबल पार्ट में, और इधर मेरा ये किचन जा रहा है। किचन में दोस्तों नीचे वुडन पैटर्न में सेरामिक टाइल्स लगाया हूँ, और दीवार में आप देख रहे हो 1x1.5 का टाइल्स लगाया हूँ सेरामिक टाइल्स। तो इसको भिगो कर लगाना चाहिए। और ये देख रहे हो ग्रेनाइट का दोस्तों यहाँ पर पानी पट्टी में दिया हूँ, ताकि इधर पानी मेरा नहीं आए, तो सफाई नहीं हुआ अच्छा से दोस्तों, इसीलिए थोड़ा कलर फेड लग रहा है। और ये देख रहे हो दोस्तों ग्रेनाइट का मैंने फ्रेम बनवाया है, ये बहुत अच्छा लुक होता है। उसी में क्या है, एल्युमिनियम फ्रेम बैठ जाता है, चारों तरफ ग्रेनाइट देता है, तो लाइट का इशू है। ये मैंने छोटा छोटा दो बर्तन वर्तन रखने के लिए ग्रेनाइट काट के कुछ रैक दे दिया है दोस्तों। और ये मेरा सिंक, अब इसको बाहर में निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद हम ये देख रहे हो एक छोटा मोटा टेबल टॉप बनाया हूँ दोस्तों, बहुत अट्रैक्टिव एकदम आसान टेबल टॉप। इसमें आपको ग्रेनाइट काट के इसमें लगा देना है। तो ये देख रहे हो, फिर अंदर मैं जा रहा हूँ तो अंदर की ओर, तो मेरा ये एक रूम बन चुका है। तो इसमें थोड़ा सब सामान है, और ये एक छोटा सा अलमारी बनाया हूँ। देखिए हर रूम में मैंने एक एक अलमारी बनाया हूँ। तो देख रहे हो ग्रेनाइट का अलमारी कितना खूबसूरत लग रहा है, एक पट्टा में है, उसके बाद धीरे धीरे सिक्के की मदद से मैंने लगाया है। तो आप मेरा लॉन्ग वीडियो में ज़रूर जाके देखेंगे कि अलमारी कैसे बनाया जाता है। तो इसके बाद मैं दूसरा बेडरूम में प्रवेश करूंगा। तो दोस्तों पहले मैं बाथरूम का देख रहे हैं, तो ये एक देहात क्षेत्र है, देहात क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा बाथरूम बनता है दोस्तों। देख रहे हो ये बहुत बड़ा बाथरूम बनाया है, तो इसमें दीवार में जो प्रयोग किया है दोस्तों, और उसमें फर्श में भी फ्रंट वाला दीवार और फर्श में सेरामिक टाइल्स का यूज किया है। ऊपर में जो विट्रीफाइड GVT का यूज किया है, और नीचे जो रफ टाइल्स है दोस्तों मैट में नीचे वाला। तो आप देख रहे हो GVT वाइट स्ट्रिप एकदम सिंपल ब्लैक एंड वाइट में लगाया है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हो हर दौर में आपको एक ग्रेनाइट मिल जाएगा, जो आर ब्लैक कहा जाता है, राजस्थानी ब्लैक। और रूम में दोस्तों जो स्कटिंग जो फर्श में लगाए हैं वही स्कटिंग लगाए हैं। इसमें भी एक छोटा सा अलमारी बनाया है दोस्तों ग्रेनाइट का, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और ये मेरा आप देख रहे हो पेंट वाला मिस्त्री पेंट कर रहा, ये रूम में आप देख रहे हो इसमें भी वही डिजाइन, सब में सेम डिजाइन है, लुक भी बहुत अच्छा लगता है, टाइल्स भी टाइल्स का कलर भी ठीक है। ये इंग्लिश पेन है दोस्तों, इंग्लिश सीट लगा हुआ है इस बाथरूम में, और पहले देखे वो इंडियन सीट था, तो शॉवर है आप देख रहे हो। और ये आपका लेटरिन वाला पानी जो करने के लिए, उसके बाद आप देख रहे हो ये नल है, नल में जो पानी निकल रहा है, खूबसूरत लुक। ये बेसिन लगा हुआ है दोस्तों, बहुत अट्रैक्टिव छोटा सा फ्लैट में मैंने सिंपल काम किया है। और ये देख रहे हो इसमें भी एक अलमारी का मैंने काम किया दोस्तों। तो हर रूम में एक एक अलमारी मैंने बनाया है, तीन रूम है और एक डाइनिंग रूम है, उसके बाद आपका ये हॉल टाइप का है। अब मैं बाहर की ओर निकलता हूँ दोस्तों घर के, तो ये सीढ़ी का रूम है आप देख रहे हो, इसमें फिलिंग का काम चल रहा है। और इसके बाद मैंने दरवाजे पर मेन दरवाज़ा देख रहे हो, ये मैंने छोटा सा डोरमेट डिजाइन बनाया हूँ बर्फी काट के, 2 इंची का बर्फी काट के, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देख रहे हो दोस्तों जो पेटिको है मैंने सेरामिक वुडन पैटर्न में दिया हूँ दोस्तों, चारों पट्टी मैंने ग्रेनाइट लगाया हूँ 10-10 इंची का। तो इससे क्या होता है, लुक बढ़ जाता है और बंधा भी जाता है, टाइल्स का कोरी टूटने का डर नहीं होता है। तो आई होप कैसा लगा।